You are watching Maulana Anees Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment and share. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد हर इंसान हिदायत का तलबगार है और हर इंसान की ख्वाहिश यही होती है कि वो सही रास्ते पर चले। ये इंसान का एक फितरी तकाजा है, वो सही रास्ते का मुतलाशी होता है, सही रास्ते पे वो चलना चाहता है, उसकी ज़िंदगी हिदायत पर बरकरार रहे, ये उसकी दिली ख्वाहिश होती है। लेकिन इंसान का इल्म चूंकि बेपनाह महदूद है, वो ज़मीन और आसमान के दरमियान रहकर ही तो सोच सकता है। अपने इल्म की महदूदियत की वजह से अपने तई इंसान अपने लिए हिदायत का रास्ता मुंतखब नहीं कर सकता, ये तय है। अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल का ये एहसान व करम हुआ कि उन्होंने हर दौर में इंसानों की हिदायत के लिए, उनकी रहबरी के लिए अपने मखसूस बरगुजीदा चुने हुए बंदों को भेजता रहा ताकि इंसानों की ये फितरी जरूरत भी पूरी हो जाए। अल्लाह ताला ने हमारी कोई जरूरत ऐसी नहीं छोड़ी जिसकी तकमील का उन्होंने इंतजाम न किया। आपके यहां जब कोई मेहमान आता है तो आप उस मेहमान की खिदमत के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, जो भी आपके पास है आप उसकी खिदमत में उन हवालों से कोई कसर नहीं उठा रखते। जब उन्होंने हमें और आपको पैदा किया तो इंतजाम क्या कोई और करेगा क्या? अल्लाह अकबर। पहली फुर्सत में हमें और आपको अपने इस यकीन को मजबूत बनाना ही होगा कि हमारा और आपका खालिक सिर्फ और सिर्फ अकेला अल्लाह है। हमारी और आपकी तखलीक में वल्लाह किसी की कोई शराकतदारी नहीं। तो जब पैदा उन्होंने किया है तो इंतजाम कोई और करेगा क्या? आप अपने यहां मेहमान को बुलाएं, मेहमान घर पे आ गए, उन्हें पानी पिलाना आपके फराइज में शामिल है, उन्हें खाना खिलाना आपकी जिम्मेदारियों में शामिल है, उनके सोने का इंतजाम करना, उनकी राहत का इंतजाम करना ये आपके फराइज में शामिल है क्योंकि आपने बुलाया है, उनको बतौर मेहमान के बुलाया है। तो अल्लाह ताला ने हमें और आपको इस रूए जमीन पर बतौर खलीफा के बर्पा किया है। ये जुमला समझ गए तो जिंदगियां सुधर जाएंगी। मखलूक तो उनकी बहुत सारी है लेकिन शेर इतना बड़ा जानवर, इतना मजबूत ताकतवर जानवर, उससे कोई बाजपुरुष नहीं। हाथी इतना बड़ा जानवर, उससे कोई बाजपुरुष नहीं। चीता इस कदर तेजी से दौड़ता है, उसके लिए फरिश्ते मुतय्यन ही नहीं किए गए कि जरा इसकी रफ्तार को लिखो और इसके दौड़ने के तरीके को लिखो। सारी मखलूक अपनी अपनी जिंदगी गुजारती है और दुनिया से चली जाती है।
क्योंकि वो सारी मखलूक इस धरती पर जो मौजूद है अल्लाह ने उसको बतौर खलीफा के बरपा नहीं किया है। हजरते इंसान को अल्लाह ताला ने और जानवरों की तरह पैदा ही नहीं किया। हमारा और आपका वजूद इस रूए जमीन पर बतौर खलीफा के है। ये जो स्टार दिए हैं अल्लाह ताला ने तो जिम्मेदारियां जरूर बढ़ेंगी। जो कंधों पे स्टार लगाते हैं दुनिया के अफसरों के कंधों पर, वो स्टार बस इसलिए कि आप बड़े हो गए। हर स्टार एक बड़ी जिम्मेदारी बढ़ा देता है। अल्लाह की सारी मखलूक के दरमियान अल्लाह ने आपके कंधों पर इतने स्टार लगा दिए, इतने स्टार लगा दिए हैं कि फरिश्ते भी आपके सामने सजदा रेज हुए। अल्लाह ने आपको इतना बड़ा कर दिया। وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً। इस रूए जमीन पर अल्लाह ताला ने अपना खलीफा बनाने का जब इरादा किया, खलीफा इतने स्टार आपको दे दिए। कुरान में उसके तज़किरे आ गए। अपने स्टार्स को समझिए। وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, हमने आदम की औलाद को मुकर्रम बना दिया। अल्लाह अकबर। وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, खुशकी और तरी की हुक्मरानी की बागडोर हमने हजरत इंसान को दे दी। क्या खुशकी पर जमीन पर जगह कम पड़ गई कि लोगों ने समंदरों में होटल बनाने शुरू कर दिए? खुशकी में कमी थी क्या? जमीन पर जगह की कमी थी? जगह की कमी नहीं थी, लेकिन अल्लाह को दिखाना था कि जिस तरह हमने इंसान को यह सलाहियत दी, उसको वो वसाइल फराहम किए कि वो खुश्क जमीन पर महल बनाए, ऐसे ही हमने उसको ये सलाहियत भी दे दी है कि वो समंदर में भी अपने महल खड़े कर दे। एक समंदर के साहिल से आप चलते हैं, इतना बड़ा जहाज लेकर जिसका हम और आप तसव्वुर नहीं कर सकते, और वो इतने बड़े समंदर के ऊपर उसकी छाती को, उसके सीने को चीरता हुआ इतना सारा सामान लेके दूसरे साहिल पर पहुंच जाता है। ये कैफियत और ये इख्तियार अल्लाह ने अपने किसी मखलूक को नहीं दिया। وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, जो रोजी का उन्होंने इंतजाम किया है वो पाकीजा रोजी का आपके लिए इंतजाम किया गया। पाकीजा रोजी, तय्यिबा रोजी। وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, अफजलियत का ताज भी सारी मखलूक के बिलमुकाबिल अफजलियत का ताज अल्लाह ने आपके सरों पर रखा है। ये सब कुछ इसलिए किया कि शेर जैसी जिंदगी गुजारो। ये इतने सारे स्टार दिए गए इसलिए कि चीता बन जाओ। ये बुलंद मकाम इसलिए दिया गया कि सांप बन के लोगों को डसो। ये बुलंद वाला मकाम क्या इसलिए दिया गया कि बिच्छू बन के डंक मारो? अल्लाह ताला ने तकरीम और ताजीम और अफजलियत का ताज हमारे और आपके सरों पर क्या इसीलिए रखा था कि जानवरों वाली जिंदगी गुजर? नहीं, ये सारी अफजलियत अल्लाह ताला ने इसलिए दी कि और सारी मखलूक के बिलमुकाबिल तुम्हारी जिंदगी मुमताज रहे। वो हिदायत पर चल ही नहीं सकते और तुम्हें हिदायत पर ही चलना है। और मखलूक को क्या पता कि राह रास्त क्या है? बड़े आराम से आप सो रहे हैं, मच्छर आपकी कोई रियायत नहीं करेगा, आएगा और खून चूसना शुरू कर देगा आपको कोई तकलीफ हो। उसे अपना काम करना है। और अजीब बात यह है कि अल्लाह उस मच्छर से यह नहीं पूछेगा कि हाजी शफी कुरैशी साहब बड़े सुकून से अपने रूम में सो रहे थे तो उन्हें जाके उन्हें क्यों डस लिया, क्यों उनका खून चूसा? मच्छर से नहीं पूछा जाएगा। और आप किसी का खून चूस लें, बासपुरस आपसे होगी, हमसे होगी, क्योंकि मच्छर को अल्लाह ने कौन सी इज्जत दी है?
मच्छर के कंधे पर कौन से अल्लाह ने स्टार लगा दिए हैं? चीता बरसरे आम आपकी बस्ती में घुस के बच्चों को फाड़ दे, मर्दों को तबाह कर दे, किसी को ऊपर हमला करके उसको अपनी हिजा बना ले, तो क्या अल्लाह ताला चीते से बाजपुरुष करेंगे कि तूने हमारे बंदे को क्यों खाया? ना उसके लिए कोई इज्जत है, ना कोई फजीलत है, ना कोई बाजपुरुष है। क्या और जानवरों के साथ में भी फरिश्ते मौजूद हैं? किरामन कातिबीन यालमून मा तफालून। किसी मखलूक के साथ में फरिश्ते नहीं हैं, उस मखलूक के आमाल को लिखें। और मियां आप कुछ कर भी नहीं सकते इल्ला ये कि जो कुछ आप करेंगे फरिश्ते उसे लिखेंगे, और जो बोलेंगे उस फरिश्ते उसको भी महफूज करेंगे। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। ज़बान से जो कुछ निकलेगा फरिश्ते उसको उचक लेने के लिए तैयार बैठे हैं। चारों तरफ से बंदिश कर दी गई क्योंकि आप खलीफा हैं। आपको मालूम है कि किसी ममलिकत का कोई वजीर आजम या सदर, उसके चारों तरफ कितनी बंदिशें होती हैं। वो अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकता, जाएगा तो बताना पड़ेगा, और उसके तहफ्फुज का कितना इंतजाम किया जाता है। कोई अफसर क्या किसी भी मीटिंग में जाकर शरीक हो सकता है? चाहे जिस इलाके में उसे बुलाया जाए वहां जा सकता है? नहीं, उसके लिए कुछ कानूनी बंदिशें हैं, उसके मुताबिक ही वो कहीं जाएगा क्योंकि वो सरकार का अफसर है। पाबंदियां उसके लिए ज्यादा हैं, हम और आप क्या है, चाहे जहां चले जाएं। तो इस धरती पर अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने हमें और आपको जो बर्पा किया है वो आम जानवरों की तरह बर्पा नहीं किया। हमारा और आपका वजूद इस रूए जमीन पर अल्लाह के खलीफा होने के उनवान से है। जब इतना ऊंचा मकाम अल्लाह ने दे दिया है तो यकीनन जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, और उन तमाम जिम्मेदारियों में सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि हम और आप सही सही रास्ते पर चलें। गलत रास्ता इख्तियार करेंगे तो इतनी धुनाई होगी कोई बचाने भी नहीं आएगा, बहुत मारे जाएंगे। इतना ऊंचा मकाम देकर तुम्हें दुनिया में मबूस किया गया और तुमने सही रास्ता छोड़कर गलत रास्ते पर चल पड़े। हां, इंसान यह कह सकता था कि या अल्लाह हमें मालूम ही नहीं था कि सीधा रास्ता क्या है, ये कह सकता था ये इंसान। तो अल्लाह ताला ने उसके इस कहने से पहले ही उसकी हिदायत के जुमला इंतजाम कर दिए। कभी अल्लाह ने इंसानियत को बगैर रहबर के छोड़ा ही नहीं। हर दौर में अल्लाह ताला ने अपनी जानिब से अपने मुंतखब बंदों को, मुश्तबा मुस्तफा बंदों को, अपने बरगुजीदा बंदों को हिदायत नबूवत और रिसालत की जिम्मेदारियां देकर मबूस किया। और अल्लाह के वो मखसूस बंदे, अल्लाह के वो तमाम पैगामबर अल्लाह के बंदों को सीधा रास्ता दिखाते रहे। अल्लाह ने यह जरूरत भी पूरी की है, जब उन्होंने पैदा किया है तो खाने का इंतजाम उनके जिम्मे है। उन्होंने कहा कि हां हमारे जिम्मे है मेरे बंदो, वो मामिन दाबतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। जब उन्होंने पैदा किया है, निजाम तनफ्फुस कायम किया है, फेफड़े बनाए हैं ताकि इंसान की जिंदगी बरकरार रहे, फिर इन फेफड़ों को ऑक्सीजन कोई और फराहम करेगा क्या? जब फेफड़े उन्होंने बनाए हैं तो ऑक्सीजन का इंतजाम भी उन्होंने किया है। प्यास लगती है, जरूरत है, तो पानी का इंतजाम कोई और करेगा क्या? उनके जिम्मे है, उन्होंने कर दिया। अपनी दुनिया की तमाम जरूरियात पर निगाह दौड़ाइए और तन्हाई में बैठ के सोच लेना कि हमारी ये तमाम जरूरियात कौन पूरी कर रहा है। वल्लाह जब आप इस उनवान से सोचेंगे तो आपको अल्लाह के अलावा कोई नजर ही नहीं आ सकता। अल्लाह की कुदरत, उनकी कुदरत के अजाइबात आपको नजर आएंगे। आंखों को दिखाना ये कोई मामूली काम है, कानों से कुछ सुनवा देना ये कोई मामूली इंतजाम है, नाक से खुशबू और बदबू का एहसास करा देना ये कोई मामूली काम है, कौरमे का जायका क्या है और बिरयानी की लज्जत क्या है, ये जायके और लज्जतें जबान को महसूस करा देना ये कोई मामूली काम है, और ये जायके यहीं तक रहेंगे
लुकमा नीचे उतना जायका थोड़ी देर के लिए जबान पे बाकी रहेगा। इतना बड़ा इंतजाम कोई मामूली काम है? पूरी बॉडी, पूरा बदन, अंदर बाहर का पूरा इंतजाम। मेडिकल साइंस के हवाले से पूछे कि आप क्या हैं, इतने बड़े कारखाने को चलाने के लिए जब उन्होंने इतना इंतजाम कर दिया है तो उन्होंने सही रास्ते का इंतजाम जरूर किया है, हमारी हिदायत का इंतजाम जरूर किया है। ये हमारी और आपकी नालायकी होगी कि हम और आप उस रास्ते को जानने की कोशिश न करें जो हमारी फलाह और नजा, हमारी कामयाबी और कामरानी का रास्ता है। यह नालायकी होगी और इसी पर सजा दी जाएगी। हमारे और आपके पास जो कुछ है वो घर में नहीं आता है, उसको तलाश करने के लिए भाग दौड़ करनी पड़ती है, उसको पाने के लिए आपकी नींदें खत्म हो जाती हैं। जो चीज अपने पास नहीं है और है वो जरूरत की चीज, उसको लाने के लिए आप मुल्कों का सफर कर लेते हैं। वो फिक्र हिदायत के बारे में क्यों नहीं है? यह है बड़ा मसला। जो फिक्र हम और आप दुनिया की चीजों के बारे में करते हैं, दुनिया की चीजों को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, तो फिर वो कोशिशें हिदायत के लिए क्यों नहीं है? यही तो जुर्म है। अल्लाह ये जुर्म माफ फरमा दे और हमें और आपको पक्का सच्चा हिदायत का तलबगार बना दे। है ख्वाहिश और जरूरत भी कि सही रास्ते पर चलें, मगर वो सही रास्ता हम और आप अपने तई तलाश ही नहीं कर सकते। अगर तारीख के औराक को पलट कर ये हकीकत में आपको बताऊं तो आप ताज्जुब में मुब्तला हो जाएंगे। ये एक सच्चाई है, जुमला याद रखिएगा। जिस दौर के इंसान ने हिदायत को अपने तई पाने की कोशिश की, उसके हाथ गुमराही के सिवा कोई चीज न लग सकी। हिदायत ये इंसान अपने तई तय नहीं कर सकता। हिदायत किसे कहते हैं? ना मैं बता सकता हूं ना आप बता सकते हैं। जरूरत है, ये जरूरत कौन पूरी करेगा? हिदायत की जरूरत मैं आपके लिए पूरी कर सकता हूं। मेरी हिदायत की जो जरूरत है उसे आप पूरा कर सकते हैं। मियां, अगर मैं आपके लिए और आप दूसरों के लिए हिदायत की जरूरत पूरी कर देते तो फिर अल्लाह से हर नमाज में यह कहने की जरूरत ही न थी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आप सीधा रास्ता मुझसे मालूम करते हैं या अल्लाह से? आप सीधे रास्ते पर चलना चाहते हैं उसकी दुआ मुझसे करते हैं या अल्लाह से? इन्नका ला तहदी मन अहबबत वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। आप किसी को चाहे हिदायत दे दें, यह नामुमकिनात में से है। हिदायत तो उसे मिलेगी जिसे अल्लाह चाहेंगे। उसी हिदायत को उजागर करने के लिए हर दौर में अल्लाह ने नबियों रसूलों को भेजा, उनको पैगाम दिया। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर वो सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से 571 साल पहले तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाति ग्रामी तक जारी रहा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में तशरीफ लाने के 571 साल के बाद अब्दुल्ला के दुर्र यतीम और आमिना के लख्त जिगर और अब्दुल मुत्तलिब के पोते और अबू तालिब के भतीजे और अल्लाह के आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह ने उनको हिदायत का इतना पुख्ता सामान दे दिया, इतना महफूज और इतना मजबूत सामान दे दिया कि हिदायत का वो मुकम्मल निजाम अब कयामत तक चलेगा। लिहाजा अब नए नबी की जरूरत नहीं, अब नई नबूवत की जरूरत ही खत्म हो गई। अल्लाह ताला ने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हिदायत का इंतजाम दिया, जो शरीयत उनको अता की, उस कुरान को, उस हिदायत नामे को महफूज रखने का वादा हमारे अल्लाह ने कर लिया। मा कबल की किसी और किताब की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया ही नहीं। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून। हम हैं इस नसीहत नामे के नाजिल करने वाले और हम ही हैं इसकी हिफाजत करने वाले। आप बताएं वो नसीहत नामा 1450 साल के बाद भी आज मौजूद और महफूज है कि नहीं? महफूज है ना, मौजूद भी है, महफूज भी है।
قیامت تک یہی سلسلہ باقی رہے گا. اب نبوت کی ضرورت نہیں ہے, اب تو نبی نے جو ہدایت کی راہیں متعین کر دی ہیں بس ان پر چلنے کی ضرورت ہے. راستہ معلوم کرو کہ ادھر جانا ہے یا ادھر. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن, زیادہ جھمیلا نہیں ہے, دیکھو ادھر میری طرف. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن, ادھر جانا ہے یا ادھر, دونوں راستے کلیئر ہیں, اختیار آپ کو ملا ہے. اس پہ چلو گے تو جنت میں پہنچ جاؤ گے اور اس پہ چلو گے تو جہنم میں پہنچ جاؤ گے. بہت کلیئر ہیں دونوں راستے. راستہ معلوم کرو, جب آپ اس دوراہے پہ آئیں گے ایسے, یہاں پہ کھڑے ہیں آپ, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن, بس یہ فیصلہ لینا ہے کہ اس دوراہے پر جو میں کھڑا ہوا ہوں ادھر جانا ہے یا ادھر. یہ فیصلہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے. یہی فیصلہ سنانے کے لیے نبیوں رسولوں کی بعثت ہوئی, انہوں نے بتا دیا کہ اس پہ چلنا یہ اللہ کا راستہ ہے, اس پہ جانا یہ صراط مستقیم ہے. کوشش کہاں سے شروع ہوگی؟ اپنی ذات سے. یہ جملہ یاد رکھیے گا, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, ایمان والو تمہیں پہلے اپنی فکر لینی ہے اگر صحیح راستے پر چلنا چاہتے ہو. پہلے اپنی فکر لینی ہے یا دوسروں کی؟ بس یہ رکتا قرآن کے حوالے سے میں نے عرض کیا ہے, میری بات نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, ایمان والو اپنی فکر کرو. اگر تم نے اپنی فکر کر لی اور صحیح راستے پر چلنے کا پختہ ارادہ کر لیا, لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, جب تم صحیح راستے پر آ ہی گئے کوئی انسان تمہیں گمراہ کر کے نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا. یہ قرآن کا اعلان ہے. فیصلہ کرو کس پہ چلنا ہے, اپنے آپ کو ہدایت والے راستے پر لاؤ, اپنے آپ کو پہلے, دوسروں کی فکر چھوڑو. اگلے خطبے میں بتاؤں گا دوسرا کام کیا ہے. پہلا کام ہے اپنی فکر لو, اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پر لے آؤ. اور جب تم اپنے تئیں نبوی ہدایات, اللہ کے رسول کی تعلیمات کے نتیجے میں خود کو راہ ہدایت پر چلا دو گے تو میرے اللہ کا وعدہ ہے دنیا کا کوئی انسان تمہیں گمراہ کر کے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا, کیونکہ تم پختہ ارادے کے ساتھ آئے ہو راہ ہدایت پر. اللہ تمہیں توفیق دے گا, اللہ تمہیں چلائے گا سیدھے راستے پر, کیونکہ تم نے خود دعا مانگی ہے اس سے, ہدنا صراط المستقیم. اب آپ اللہ کی پناہ میں آ گئے ہیں, اس کی حفاظت میں آ گئے ہیں.